दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से ट्रेड फेयर नहीं लग सका था, लेकिन इस साल हालात बेहतर होने की वजह से एक बार फिर से ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। इस बार ट्रेड फेयर में कई बदलाव किए गए हैं, आइए जानते हैं ट्रेड फेयर से जुड़ी हर जानकारी। 14 नवंबर से शुरू हुआ ये ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक चलेगा। ट्रेड फेयर में आम लोगों को 19 नवंबर से एंट्री मिलेगी। 19 नवंबर से ही टिकट मिलने शुरू होंगे। दिल्ली के 65 मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेड फेयर के टिकट मिलेंगे। इसके अलावा टिकट की ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। हर साल 25,000 स्क्वायर फीट में इस मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार 3 गुना यानी 70,000 स्क्वायर फीट में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करना होगा। ट्रेड फेयर से जुड़ी हर जानकारी के लिए बाकायदा एक ऐप भी बनाई गई है, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड फेयर के उद्घाटन के मौके पर लॉन्च किया। हिंदुस्तान के 20 राज्य और 3 नेशनल टेरिटरीज इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा ट्रेडर्स इस मेले में स्टॉल लगा रहे हैं। इस बार मेले की थीम आत्मनिर्भर पर रखी गई है। ट्रेड फेयर में इस बार कई देश हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हर साल मेले में हिस्सा लेने वाला चीन इस बार मेले में हिस्सा नहीं ले रहा। दिल्ली में लगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के टिकट के लिए आपको इस बार 20% ज्यादा चुकाना होगा। हमेशा की तरह इस बार भी वरिष्ठ नागरिकों को फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं अडल्ट के लिए टिकट की कीमत 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए रखी गई है। वहीं वीकेंड या फिर छुट्टी के दिन अडल्ट के लिए टिकट की कीमत 150 रुपए और बच्चों के लिए टिकट की कीमत 60 रुपए होगी। अगर आप भी ट्रेड फेयर में जाने की योजना बना रहे हैं, तो वीडियो में बताई गई इन बातों का ध्यान जरूर रखें।